वेलकम टू अदर चैनल डू यू नो। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बेहतर नेता नरेंद्र मोदी के बारे में। भारत में समय समय पर एक से बढ़कर एक ताकतवर नेता आगे आते रहे हैं। ऐसे ही महान नेताओं में एक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि भारत में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। भारत में पीएम बनने से पहले वह गुजरात के सीएम रह चुके हैं। उनका जीवन किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। एक समय पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत और कर गुजरने की चाह से खुद को इतना काबिल बनाया कि वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश के आज़ाद होने के बाद हुआ है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मुंबई के वेदरा नगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मोदी और इनकी माता का नाम हरबल प्रसा हीराबेन मोदी था। नरेंद्र मोदी 6 संतानों में तीसरे थे। नरेंद्र मोदी बचपन में अपने पिता की चाय बेचने में स्टेशन पर मदद किया करते थे। मोदी पढ़ाई और भाषण देने की क्षमता शुरू से लाजवाब थी। इनकी शादी 17 साल में जसोदा से कर दी गई थी, पर वह शादी के विरोध में हमेशा से थे। उनका मानना था कि शादी के बाद व्यक्ति भ्रष्टाचार से ठीक से नहीं लड़ सकता, इसलिए शादी के तुरंत बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और 1971 में आरएसएस को ज्वाइन किया। 1975 में जब देश में एमरजेंसी लागू हुई, उन्होंने उसका बहुत विरोध किया और 1978 में इन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए की डिग्री प्राप्त करी और 1978 में यह आरएसएस के एक प्रचारक बने और 1978 में आरएसएस के प्रचारक बनने के साथ साथ इन्होंने 1983 में मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस करी। 1985 में आरएसएस के लगातार जुड़े रहने के कारण इन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया। फिर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बनाया गया। 2001 में यह गुजरात के 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम बने और गुजरात में अच्छे कार्य करने के बाद 2002, 2007 और 2012 में यह गुजरात के सीएम रहे और अपने अच्छे कार्यों के चलते और अपनी अच्छी प्रतिभा के कारण इन्हें 2014 में पीएम पद के लिए उम्मीदवार को घोषित किया गया और अच्छे नेटवर्क के चलते इन्हें 2014 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।